उससे ज्यादा तनाव मुक्त तो तुम भी ना रहे, तुम जो किताब पढ़ो। विकेश भारती जी की किताब है, हमने ऑफिशियल लॉन्च कर रहे हैं इसका, पूरे प्रदेश से 30-35 लोगों की टीम बना गए। तनाव केवल तनाव को बढ़ने से नहीं होगा, तनाव जब आपके आदमी का कम होगा, जब ये ना जो पास सभ्यता है या ज्यादा धन कमाने की इच्छाएं, जब इच्छाएं कम कर लेगा तो आदमी का अपने आप तनाव कम हो जाएगा। इच्छाएं रहेंगी कर खड़ा किया, जिससे हम और हमारी आने वाली पीढ़ी ये अनुसरण कर सके कि क्या क्या हमारे पूर्वजों ने किया है, क्या हमें मिला, क्या हमें दे के जाना है, वो सब हमें इन्होंने ला करके दिया है। गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, हम सौभाग्यशाली हैं हरियाणा वाले कि एक ऐसी जो ग्रंथ जो हमारे माननीय श्रीमान कृष्ण जी पूजनीय कृष्ण भगवान, एक ऐसा उपदेश, एक इतना बड़ा युद्ध जो हरियाणा में हुआ और हरियाणा में भी हम पलवल वाले मैं समझता हूँ कि और ज्यादा भाग्यवान हैं जो हम ब्रज के पास रहते हैं, कृष्ण जी की भूमि के पास रहते हैं, तो हमें और ज्यादा इस बात की खुशी है। तो सारा सार जीवन का, हमारे कर्मों का, हमारे धर्म का, मान का, सम्मान का, अपमान का, बलिदान का, हर चीज का ज्ञान ये छोटा सा ग्रंथ हमें दे देता है। हमें हमारे परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है, अपनों के लिए हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है, तो इस अपने देश के लिए हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है, परदेश के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं समझता हूँ कि जब व्यक्ति पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है और उसके मरने तक का सार, जीवन में कौन कौन सी चीजें हमें किस किस विधि से करनी चाहिए, उस सब का सार इस पवित्र ग्रंथ में हमें मिलता है, इस गीता में मिलता है। तो इसलिए महाभारत के जितने भी सीरियल हैं वो देखे हों, किसी मुनि से गुनी से सुने हों, उसमें सब कुछ यही निकल के आता है कि कर्म प्रधान है, धर्म के मार्ग पर चलिए, अधर्म के साथ मत दीजिए, धर्म का सहयोग कीजिए, धर्म के साथ रहिए। मैं आपको इस मन से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी सारी छुपी हुई चीजों को, आज महात्मा गांधी जी हैं, आज आपके सुभाष चंद्र बोस जी हैं, आज भगत सिंह जी हैं, ये जितने भी पुरोधा हैं उनको आगे ला करके खड़ा करने का काम किया। आज ना केवल राजनीति के नाम पर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है, पहले फॉर्मेलिटी के लिए 14 तारीख को पिछली सरकार 14 अप्रैल को एक दिन बाबा साहब का जन्मदिन मनाती थी, लेकिन आज पूरा एक मंथ, पूरा एक महीना सुशासन दिवस के रूप में बाबा अम्बेडकर साहब के जन्मदिन को मनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के होते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होते हुए, योगी जैसे मुख्यमंत्री के होते हुए, आज ऐसा लगता है जैसे ऋषियों की धरती पर, जैसे मुनियों की धरती पर दोबारा से ऋषि और मुनियों ने
सत्ता अपने हाथ में ले लिए, बागडोर हमें हमने उन्हें दे दी है, और अब ये भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बनेगा।